मैच को शुरू कराएं एम्पायर। ये टीम इसमें से जो टीम जीतेगी वो सुपर एट में यानी कि क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश कर जाएगी। एक टीम ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, सहरिया की टीम। हाँ पहले बैटिंग कर ले क्या तरह दिव्यांशु गेंदबाज होंगे और उनका सामना करेंगे नुमान। एक जोरदार मुकाबला, नुमान सामना करने के लिए तैयारी। सुबह की पहली गेंद लेकर नो बॉल इसी बीच इशारा आता हुआ, एक रन दौड़ के दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। प्रहित पहली गेंद नो डिलीवरी और प्रहित अंपायर का डिसीजन। तो दो रन बगैर किसी नुकसान के अभी एक भी गेंद इस ओवर की मानी नहीं जाएगी। प्रदीप भैया इस वक्त टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं, शहजाद खान चकिया और उद्घाटन करता हमारे टूर्नामेंट के हैं, उनकी सेवाएं इस टूर्नामेंट के लिए और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन बनारसी। और एक और दर्शक क्राउड कैच हुआ है, कटवा का मैच है, कस्बा माहौल स्पोर्ट। आकाश रावत की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए का इनाम। कल है भाई दिल्ली की टीम, कल है दिल्ली की टीम, कल है, कल शायद अंकुर सिंह एंड कंपनी भी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अमन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। चलेंगे बात दीवांशु, दिस टाइम बेटर डिलीवरी अंडर टेकिंग द सिंगल रन बाय कपिल शर्मा बैट्समैन। एक और जोरदार मुकाबला, पिछले मैच में जब अमन आए थे बल्लेबाजी करने तो क्या शानदार बल्लेबाजी की थी अमन ने, अपनी कातिलाना लगातार छक्कों की एक झड़ी लगा दी थी और अपनी कातिलाना बल्लेबाजी से तमाम दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली है अमन ने। और दर्शक चाहते हैं, दर्शकों की एक चाह हो गई है कि अमन उनको छक्कों की एक दर्शन इसमें उठा दिया है, खिलाड़ी इसके नीचे भाग के जा रहे हैं और ये कैच ड्रॉप कर दिया गया है। शानदार कैच होता यदि वो ये कैच ले लेते तो शानदार कैच होता, लेकिन नुमान का कैच ड्रॉप किया है, एकदम पकड़ लिए रहा भाई, देख ले कुछ हिसाब किताब तो। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची गई थी गेंद और यदि ये कैच कर लेती बाउंड्री की बिल्कुल करीब भी इस बार खतरनाक बल्लेबाज अमन है सामने। ओहो, ओहो, किसी खिलाड़ी के पास एक शानदार छक्का, अमन के लिए तो नो बॉल का कोई मतलब नहीं, कोई फ्री हिट का मतलब नहीं है। अमन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है सिर्फ छक्कों की डील इनको सिर्फ छह का पहाड़ा आता है। हर एक शॉट से इनके हर एक शॉट पे आधा दर्जन रनों की एक छाप सी लगी होती है। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, अमन को देख के ऐसा लगता है युवराज सिंह जब विश्व कप में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस लय में युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे आज उसी लय में उसी दर्शनी स्ट्रोक को उसी तरह के शॉट की इजाद करते हुए अमन ने तमाम दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। और अब दर्शकों की ये चाहत है कि लगातार छक्कों की बारिश होती रहे, प्रेरित है अमन के लिए। अब चले गए बात दिवांश, निश्चित रूप से पूरे दबाव में होंगे दिवांशु किस तरह की गेंद करते हैं ये देखना होगा। उठा दिया है एक और शानदार छक्का, शानदार बल्लेबाजी चल रही है अमन की तरफ से। अमन
प्रदीप भैया एक जानकारी है, सामना किया है अमन ने और 7 छक्के लगाए हैं, दोनों मैच मिला के 7 छक्के लगा चुके हैं। और साहब की तरफ से हैट्रिक, छक्के परिणाम है और अपील वहां पर जोरदार अपील हो रही है। जोरदार अपील चल रही है, दोनों अंपायरों से बहस कर रहे हैं खिलाड़ी और एक दे दिया है उनको हाइट, वन बाउंस का इशारा वहां पर किया गया है। और साहब की तरफ से असाब भाई आप की तरफ से जो इनाम लगाया गया है हैट्रिक छक्कों पर वो तो रुक जा रहा है, लगातार दो बार छक्के पिछले मैच में भी लगे थे, इस मैच में भी दो लगातार छक्के लगाने के बाद वन बाउंस का दिया गया अंपायर के द्वारा। अब दिवांशु चले पहले ओवर के भी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, संभवतः आखिरी गेंद होगी, इस बार अच्छी गेंद थी, आगे नो बॉल, एक बार फिर से नो बॉल, दबाव है गेंदबाज के ऊपर और हो भी क्यों ना इस तरह का बदतरी हिट, अब नुमान होंगे सामने और फिर से वापस मिसफील्ड हुई रन। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये छक्कों में सिर्फ डील करने के लिए आए हैं, अभी तक अपनी पारी में इन्होंने 3 छक्के लगा दिए हैं और कितने छक्के 4 ओवर के मैच में अमन लगा देंगे। जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है यदि T20 मैच पूरा 20 ओवर का मैच इनको खेला जाए तो छक्कों का शतक लगा देंगे। क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, जेपी मेरिट को पढ़ रहे हैं अमन, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन और अमन को देख के युवराज सिंह की झलक नजर आ रही है, छाप है इस बल्लेबाज और एक अमन और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन कुल स्कोर है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी, पहले ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 38 रन। उनको देख के लग रहा है दुनिया है क्रिकेट में ये बल्लेबाज आने वाले दिनों में कोहराम मचा के रखने वाला है, आने वाले दिनों में इस बल्लेबाज का अपना एक परचम लहराएगा। 37 माफी चाहता हूँ, कुल स्कोर 33 रन है, 33 है भाई, 33 है, 33 रन। किसका लिंक भेजू भाई, मैं कहाँ से लिंक भेजू, एक ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। भाई जिसको इटवा का मैच देखना हो फेसबुक पे लिखो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। नए गेंदबाज मनीष, रवि को देखने की चाहत है तमाम दर्शकों को, पहले मैच में शायद जल्दी आउट हो गए थे, रन नहीं बना पाए थे, अब इस बार नुमान सामना करेंगे। मनीष की गेंद पर उठाकर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, मिड ऑन की तरफ जारी, वहां खिलाड़ी मौजूद, गिरते पड़ते किसी तरह से गेंद को रोका और देखा जा रहा है दोनों बल्लेबाजों को सिंगल कटवा फूलपुर वाला भाई रनिंग बिटवीन कस्बा माहौल स्पोर्ट पे आ रहा है, जिस तरह से रन ले रहे हैं लेकिन छक्कों की डील है, पिछले मैच में इन्होंने छक्कों से रनों का अंबार लगा दिया था। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है, अब फिर से एक बार अमन है किस तरह की बल्लेबाजी करते, 3 गगनभेदी छक्के लगा चुके हैं अमन, 4 गगनभेदी छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में अमन, क्या ये 5वां छक्का होगा, क्या कुछ होने वाला है, इसके पर पच्चीस देते अजीबो गरीब साठ धन्नाटेदार साठ खिलाड़ी सलबा वहां पर थे थोड़ी सी उम्मीद और नो बॉल और एक और फ्री हिट। सलमान मिर्जा का मैच हो सकता है परसों या कल, देखते हैं, अभी कुछ अपडेट मिली नहीं है। फुट पॉइंट की तरफ से खेल दिया गया जा रही सीमा रेखा के बाहर, 4 रन नुमान के पल्ले से लगने के बाद आज उनकी टीम आने वाली थी लेकिन आई नहीं है। 4 ओवर के मैच में 3 गेंदबाज आपको कम से कम यूज करने हैं, एक बॉलर अधिकतम से 2 ओवर कर सकता है। चालीस रन कुल स्कोर, अभी दूसरा ओवर चल रहा है। मनीष एक बार फिर से सामना करेंगे नुमान, एक खतरनाक बल्लेबाज नुमान, उनके सामने मनीष की गेंदबाजी,
अच्छी गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से और नो बॉल, सामान नहीं है भाई, बॉल पूरी तरह से प्रेशर है गेंदबाजों पर और उस प्रेशर को अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहे हैं गेंदबाज, इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। यदि इन्होंने नो बॉल नहीं करी होती तो अब तक जो रनों का एक अंबार बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है वो कहीं न कहीं कुछ कम होता, क्योंकि 4 से 5 गेंदें इन्होंने नो बॉल कर डाली है। फिर से चले पट्टी भी गेंद थी, इस बार पंच कर दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, एकमात्र रन मिल जाएगा और फिर नो बॉल। लगातार नो बॉल, मुझको लग रहा है कि ये दूसरा ओवर अभी चल रहा है और ये 3 ओवर की गेंदबाजी मुझको मेरे हिसाब से लगभग हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नो बॉल इन्होंने करी है, तो रहा है बहुत ज्यादा नो बॉल हुआ है, और यदि नो बॉल थोड़ा कम हुए होते तो 1 ओवर लगभग नो बॉल कर डाले, 6 से ज्यादा नो बॉल कर डाली है। और इस तरह की गेंदबाजी ऐसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने यदि आप करते हैं तो आप अपने लिए एक गड्ढा खोदते हैं, एक बहुत ही बुरी स्थिति को आमंत्रण दे रहे हैं। अब कोई बल्लेबाज अमर है सामने, किस तरह घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, सलमान मिर्जा करके विकेट को अपने में टीम बनाए, हाई रास्ते पर भेजना चाहते थे और ये रन शॉट किया गया। इसी तरह से पिच पर शायद आए हैं, एक रन शॉट किया गया, स्कोर अभी भी 43 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद 12 गेंदें फेस बची हुई है, 12 गेंदों में कितने रन बनाएंगे, अभी तो ये दूसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद 12 गेंदें शेष बची हुई है। मन ही चले नौवान के लिए, इस बार आप स्टंप के बाहर, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ द शॉट, देखने के बाद ऐसा लगा नहीं था कि नोमान ने सिर्फ स्ट्रोक पे बल्ले के बीचों बीच लिया था और गेंद को हवाई जहाज, गेंद ऐसा लगा था कि बल्ले में मक्खन लगाया और सहला दिया, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर निकली है 6 रनों के लिए। एक बार फिर से मनी चले नोमान के लिए, इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, इससे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन और नो बॉल, तो 5 रन बढ़ते हुए मेरे ठीक पीछे आफ्ताब भाई बैठे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, ये जो गेंदबाज जो कहानी गढ़ रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू चार ओवर फेंकिए गाइस, टेकर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने छात्र से पूछा कि बताओ दुनिया की सबसे महंगी, दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है। जितने इंटरव्यू देने वाले आए थे छात्र, किसी ने कहा सबसे महंगा सोना है, किसी ने कहा सबसे महंगा चांदी है, किसी ने कहा सबसे महंगा माँ का प्यार है। एक लड़का आया, उसने बोला लहरिया सबसे महंगी है, बोला लहरिया क्या होता है, कहा तब भी तो निरहुल लूट रहे हैं, लहरिया लूट ले राजा जी, और वो सेलेक्ट भी हो गया। ये खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद नोमैन लैंड्स में गिरी और 1 रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने लिया, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 55 रन शॉट किया गया, 54 रन कुल स्कोर है। बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी चल रही है, अब्दुल्ला भाई बहुत नो फेंक रहा है भाई ये लड़का, अमन और रोमान की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी, इस बार अमन फुंकार रूप में उल्टा गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, ओवर की हुई समाप्ति। ये दोनों गेंदबाजों को देख के एक चीज याद आ गई, इतने नो बॉल इन्होंने कर डाले हैं, उन रन जो बन रहा है ये उसी का नतीजा, इतने रन नहीं बनने चाहिए थे और 27 रन इन्होंने दे डाले हैं अपने ओवर में, 10 गेंदों में 27 रन इन्होंने दिए हैं। क्या गेंदबाजी, आप कहेंगे दबाव है, पिछले मैच में इन्होंने अच्छा खेला था लेकिन दबाव झेल नहीं पाए। शालबा उसामा नहीं है, कुछ लोग आज वो खेल रहा था भाई, ग्राम सभा खेल रहा था कटवा पे, मुझे लगता है नहीं जा पाया, कंधों पर अब दारुमदार होगा, इतने ज्यादा नो बॉल किए हैं, इतने ज्यादा नो बॉल किए हैं, उसी का नतीजा है कि स्कोर बहुत तेजी के साथ एक ऊंचा लंबा पहाड़ जैसा 60 रन बन चुका है। फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए,
पानी में गई। है मेरे मोहब्बत की अजीब कहानी, तेरे नजरों से नजरें कैसे मिलाऊं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। एक से बढ़ के एक बल्लेबाजी हो रही है, एक से बढ़ के एक साथ नजर आ रहे हैं। पटकी विकेट तीन बार गए जा रहे हैं साथ समंदर बाहर। एक और छक्का और एक क्राउड कैच। कैच लेने के बाद दर्शक झूम रहे हैं और 50 रुपए का नाम उनका फिक्स हो गया है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी। छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। सलमा 70 दबाव स्कोरर पे भी है, दबाव अंपायर पे भी, और गेंदबाज से दबाव झेल ही रहे हैं लगातार। एक वालों को शाहिद भाई से संपर्क करवाइए, शाहिद भाई संपर्क करिए। इस बार फिर से पटकी विकेट मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं सिर्फ एकमात्र रन के लिए। और ये तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सलमा। इसके बाद एक मात्र ओवर बचा हुआ है, 6 गेंदे शेष बची, उसमें कितने रन बना पाएंगे ये बल्लेबाज। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्कों की जड़ी बताएं हमारे स्कोरर, दोनों बल्लेबाज कितने रनों पर खेल रहे हैं। मिर्जा साहब मैं कमेंटेटर बॉक्स पे हूं। सलमा चले अमन के लिए, अमन जबरदस्त पटकी देती और दौड़ा के मारा है। इस बार गया जा रहे थर्डमन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। नो बॉल अंपायर का इशारा, नो बॉल। पटकी ही देती और 4 रन, तो 5 रन बनते हैं। सलमा वन सेकेंड, अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में, बेहतरीन डिलीवरी। ऐसी गेंदबाजी आपको करनी है, यदि अमन और नुमान जैसे बल्लेबाजों को रोकना है तो आप इस तरह की बल्लेबाजी करके, इतने बड़े बल्लेबाज हैं, इस तरह की आपको गेंदबाजी करनी होगी। बेहतरीन गेंदी और उसी तरह की याद कराने की कोशिश आपको करनी होगी, लगातार प्रयासरत रहना होगा। इस बार अच्छी गेंदी, बैक टू द बॉलर और एकदम दीजिए। लग रहा है कि लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम है अरशद दुबावा की जाने से, अहमद दुबावा की जाने। 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन। क्या अमन ना अर्धशतक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐलान सिर्फ फर्जी नहीं है। रेहान संजयी पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड के ऑनर, हर क्राउड को इससे 50 रुपए लगातार दिए जा रहे हैं। जो दर्शक ले रहे हैं वो अपना पैसा उनको तुरंत दिया जा रहा है। ये कोई फर्जी ऐलान नहीं कि हर टूर्नामेंट में सिर्फ ऐलान कर दिया जाए और इनाम ना दिया जाए। रेहान जी आपका शुक्रिया। नुमान 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 48 रन अमन के बन गए हैं। अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर है अमन, और जिस तरह की बल्लेबाजी की अमन ने अपनी 48 रन की पारी में 7 छक्के लगाए हैं और एक चौवा। सैफ है गेंदबाज, 7 छक्के और 2 चौके लगाने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन। और वहीं 29 रन की एक आतिशी पारी नुमान ने भी खेल डाले। सिर्फ 4+4 ओवरों के मैच में बहुत तेजी के साथ स्कोरिंग हो रही है, इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्लाइट एट गेंद इसको पैरों पर की है, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद और स्ट्राइक इस बार दे दिया है अमन को। अमन के पास स्ट्राइक है तो किस तरह का अर्धशतक पूरा होने वाला है अमन का? क्या ये अमन का ये सिरसाल कप का पहला अर्धशतक पूरा हो जाएगा? क्या अमन 48 रन की पारी के बाद वापस डगआउट में आ जाएंगे? सिर्फ 2 रन मात्र दूर है, क्या सही अर्धशतक छक्के के साथ पूरा करेंगे? क्या इस गेंद पर अमन के बल्ले से चौका लगने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? ये गेंद तय कर देगी। और ये गेंद
अपने टाइम के बाहर अंपायर माजिद खान ने अपनी टहनी इशारा कर दिया कि अभी 48 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, माने व्हाइट बॉल एक रन जरूर जुड़ जाएगा और इस एक रन से स्कोर पहुंचा 90 रन। चार ओवरों के मैच में 90 रन, अभी आखिरी ओवर चल भी रहा है, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी एक शाही अर्धशतक इन्होंने पूरा किया है और अब इस छक्के से उनका स्कोर हो गया 54 रन। बॉल वॉलेंटियर्स मैदान के चारों तरफ रहे, जब अमन बल्लेबाजी कर रहे हैं, नुमान बल्लेबाजी कर रहे हैं, रवि रंजीत जैसे बड़े महारथी अभी आने वाले हैं और लेफ्टी और राइटी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से मन बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको देखिए क्या लगता है इनका करियर कहां जाने वाला है। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है अमन के जाने से लगातार, भाई दोनों टीमें एक एक मैच खेल के आई है, एक एक मैच जीत कर आई है। जबरदस्त बल्लेबाजी पूरी तरह से आतंकित कर दिया है गेंदबाजों को, फील्डिंग प्लेसमेंट किसी तरह की कोई दबाव नहीं, कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी गेंद डालिए और गेंद को सीमा रेखा के बाहर ही भेजेगा। अगली गेंद लेकर चले इस बार फिर से उठाने की कोशिश थी, इस बार बल्लेबाज ने मारने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने। भाई ये जो टीम जिस दिन जीतती है वही होता है, देखिए कैसे होता है क्या होता है सब देखते रहिए, दोनों टीमें एक एक मैच जीत कर आई है। झड़ी लगा दी, बरसात हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मौसम बिल्कुल कुल स्कोर 115 रन, ये चौथा ओवर चल रहा है 115 रन और इन 115 रनों में जहां तक मैं देख पा रहा हूं 8 रन सिर्फ सिंगल से आए हैं। हेलीकॉप्टर इस बार उड़ाने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पर नहीं आई और गेंद जा रही थर्ड मैन बाउंड्री के करीब, अंपायर के सिग्नल का वहां इंतजार है और ये 4 रन 119 रन, 4 ओवर में 119 रन का टार, 4 ओवर में 119 रन। यार भाई पहला राउंड है अभी, दोबारा हम आपको मैच की तरफ ले चलते हैं। हालांकि कहा तो नहीं चाहिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अफजल 11 कोयलाड़ी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैच खेल रही है, ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत सलबा शेख की टीम के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा था, एक खिलवाड़ ऐसे
कि अमन की एक आधी आई और उसमें उड़ा कर लेके गई। अमन की एक आंधी आई और जसप्रीत सलवा शेख के सपनों पे पानी फेर दिया। हालांकि क्रिकेट अभी बाकी है, और मिर्जा सरफराज से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी पर्सनल नहीं है, टूर्नामेंट के हवाले से है। आपका टूर्नामेंट खराब हो रहा है और लगातार पीछे से पैसे दिए जा रहे हैं और बाद में फिर वापस भी जाते हैं और कुछ पैसे तो आते ही नहीं है, और सब ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो। अगर आप सिरसार कप में ये चाहते हैं कि आपका नाम हो तो वो पैसा कमेटी या कमेंटेटर पे मत दीजिए, वो सीधा मिर्जा सरफराज से आप संपर्क कीजिए, तभी आप ऐलान होंगे। क्योंकि यहाँ पे हैट्रिक छक्के का इनाम रखा गया लेकिन वो पैसा अभी तक आया नहीं है। अगर फिर टीम अभी हमसे आगे कहेगी शाहिद भाई आपने इनाम रखा था हमको नहीं मिला, तो वो आप ऐलान मत करवाइए। अगर सिर्फ शौक है आपको अपने नाम बनाने का तो पैसा कमेंटेटर बॉक्स पे आप जमा कीजिए, बाकायदा अपने नाम से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आपको अगर किसी बात की बुरी लगे मैं उससे माफी चाहता हूं, लेकिन हम लोग यहां पे बैठे हुए कमेंट्री करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 200 साल से कर रहे हैं, तरीका और रूल यही होता है। अगर दुकान का प्रचार करना है मिर्जा सरफराज से मिलिए, पैसा हमको देना है तो जमा कराइए, ये बेइज्जती होती है। हमको पैसा वो पेड करना होता है खिलाड़ियों को, यही होगा। हेलो कह रहे कि कल से अब यही दूरी है, दूरी काफी है इसीलिए नहीं पकड़ रहा है। बढ़िया अबू अमन है, इश्ताक अहमद बड़कू साहब से मिलने, चार ओवर और 120 रन यानी टूर्नामेंट। हाँ दस प्लेयर पे 5 रन वही माइनस हो जाएंगे। जो रूल लगा हुआ है यहां पे वो तो रूल लगा ही रहेगा सबके लिए। आप बात कर लिए कप्तान नुमान से, एक सौ और 20 रन का टारगेट है। अफजल इलेवन कोयलाड़ी ने एक ऐसा बल्लेबाज अमन जैसे बल्लेबाज को यहां पे किया इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता। 5 रन माइनस है जी सन, अगर 5 रन माइनस नहीं है ओके, 120 का टारगेट है। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता शहजाद खान साहब चकिया, और बहुत सारे मेहमान आएंगे इस टूर्नामेंट में, शहनवाज फरिया, नदीम फरिया। उठता हुआ इस शोक और गेंद के नीचे आ रहे लेकिन कोई रन नहीं, एक रन बनाने का मौका था, 120 रनों के टारगेट। हालांकि क्रिकेट ऐसे है, वो खेला नहीं जाता है, जब कोई मजबूत टीम के सामने आप जाते हैं ये सोचते हैं कि अब तो हमारा काम हो गया, आप अपने दिल में जब ये सोच लेंगे तो नहीं जीतेंगे। आपने फुटबॉल में देखा कि सऊदीया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, जो अर्जेंटीना को जब हरा सकते हैं एक प्रेशर में मत खेलिए। जसप्रीत सलवा शेख उठता हुआ स्ट्रोक, लेकिन इनिंग इनकी खाप में के ऊपर आए और रंजीत ने अमन खाए हुए, हर जगह अमन खाए हुए। हमारे टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए रेहान संजरी आपका शुक्रिया, आमिर इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया, अफजल इलेवन आपका शुक्रिया, और एक बहुत बड़ा नाम शहजाद खान। उद्घाटन करता फ्राम ग्राम चकिया, साजिद साहब प्रधान पद के प्रत्याशी चकिया, जो लोग जुड़े हुए एहसान नेता, बहुत सारे नाम तो नहीं है लेकिन शहजाद खान का बहुत बड़ा योगदान है। वो लगातार फेसबुक से देख रहे हैं कि शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आप हमको जोड़ रहे हैं शारजा दुबई से, और अमन की एक धुआंधार बल्लेबाजी, ऐसा लगता है एक नया यंग टैलेंट इसी को कहते हैं। अमन आए, अच्छी गेंद विकेटकीपर के दस्ताने में गई, जितने भी बच्चे पहले कोई जाएगा नहीं, यहीं रहना बाबू, कुछ टाइम के बाद जाना। और हर क्राउड कैच पर रेहान संजरी 50 रुपए दे रहे हैं,
आज देखिए तकरीबन 7 क्राउड कैच हो चुके हैं और सबका पैसा पेट किया जा चुका है। रेहान संजरी टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और उठती हुई गेंद के लिए और गेंद कही जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और 9 बॉल का भी सिग्नल, 4 रन नहीं हुए, 9 बॉल का भी सिग्नल है। ऐसा लगता नहीं कि मैच क्रिकेट हो रहा, लगता है नो बॉल खेली जा रही है। दोनों टीमें में नो बॉल, पहले मैच में खुंदनपुर की तरफ से काफी नो बॉल एक्स्ट्रा दी गई और उसका पूरा फायदा उठाया अमन ने। जैसा कि प्रदीप भैया ने कहा कि एक झिलमिल सितारा, एक नाम गर्दिश करता हुआ और क्लीन बोल कर दिया। अरे भैया अब क्या बोलने को बचा है, अभी कुछ बचा है, मैच देखिए अब इसमें क्या बोलूं। यकीनी तौर पर कभी थोड़ा सुकून से बैठने भी दिया करो आप लोग भाई। कही जाएगी अमन के रूप में, कल उनसे जब बात हुई कहा कि शायद भाई हमारे जब मैच टक्कर कर रहता है या बहुत एक नाम है कौन प्रेशर वाला मैच रहता है तो बोलता ही रहता हूँ भाई। अभी नोमान को उसको हटा के बाकी 10 सुपर स्टार है तो नोमान की इज्जत है, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके हैं अफजल 11 के नोमान से, बहुत अमन 70-80 रन मारा था भाई, बैठे वो मस्कत में। बहुत शुक्रिया रेहान संजरी हमसे जुड़ने के लिए। हर क्राउड का इसे 50 रुपए दिया जा रहा है, अच्छा शॉट लेकिन बॉलर बैक ड्राइव कही जाएगी, कोई रन नहीं, रन लेना नहीं चाहते, ये क्या साबित करना चाहते ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सिंगल डबल लेना होगा। ये अलग बात है कि 4 ओवर में 120 रन बनाया ना, हर ओवर में 30 रन बनाना, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट हो या कोई भी तरह की क्रिकेट हो किसी बल्लेबाज ने ऐसा कर करिश्मा दिखाया नहीं है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि कभी कभी टीम 502 रन भी बना देती है और 350 रन का भी चेस हो जाता है। आप 20 में देखिए 20 ओवर में 250 रन बनाने के बाद भी इंडिया 242 रन बनाई वेस्टइंडीज के खिलाफ और हार गई और क्लीन बोल्ड हो गए। एक और विकेट, 242 रन बनाने के बाद भी हार गई, तो आप क्रिकेट को खेलिए, एंजॉय कीजिए। इसी पे मेहनत करिए बस, और ये 4-5 का टेंशन मत लीजिए, सही है, और उस पे वो सब पे मत डाला करिए। और ये जो दूसरे की वीडियो है ना, कम से कम रंजीत है बॉलर, क्योंकि फिर आपको कमाने का मौका नहीं मिलेगा। अब्दुल रहमान का है स्ट्राइक पर, आजमगढ़ से साल कप में आए हुए तमाम मेहमानों का मैं दोबारा वेलकम और अभिनंदन कर रहा हूँ। रंजीत आएगी उसकी ये तो खेला है मिडआउट के ऊपर सीधा फील्डर के हाथ में काली आधी। अभी मिलता हूँ बाहर और काई मास्टर देता हूँ, उसमें लोगो नहीं आएगा, ठीक है, अभी मिलता हूँ बाहर। उसको कुल्ला बता रहे थे, उनके साथ एक आप बीती बता रहे थे, उन्होंने मुझको नहीं नहीं आओ आपके साथ बीता हुआ, आप बताइए आप मेरे साथ नहीं, नहीं साहिब भाई की कहानी है, बच्चे का चुटकुला है। इन्होंने कहा कि पता नहीं फिल्मों में टकराने से कैसे प्यार हो जाता है, पता नहीं फिल्मों में टकराने से कैसे प्यार हो जाता है। जब खराब हो चुका है तो मुझसे बोली क्या करो, जब नाम बंद करो, कहा बंद कर दवा करना, कितना बंद करियो, पूरा पूरा गाना बजावे लगा थे, पूरा माइक बंद कर ऑडियो। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई, आप जुड़ते हैं टूर्नामेंट देखते हैं, 4 चांद लगता है। रंजीत आए, अच्छी गेंद और डिफेंस किया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कही जाएगी इस मैच की, जिस अंदाज से जसप्रीत तलबा से खेल रही है वो अंदाज मैच जीतने के लिए नहीं कह रहे हैं। नोमान एंड कंपनी 2 मैच जीता है सहरिया इल्तिफात हॉस्पिटल मोहम्मदपुर ने और दूसरा मैच ये जीतने के करीब है, तो लगता इन्हीं का टकराव होगा, वो तो कमेटी डिसाइड करेगी किसका मैच है क्वार्टर फाइनल। और रंजीत की एक और डॉट गेंद, लगातार जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनका वेलकम और अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन मैच उस अंदाज में नहीं जो दर्शक भाई, ओपन टूर्नामेंट है तो शुरुआत में होता है, आगे अभी देखते हैं क्या होता है भाई, हर टूर्नामेंट की अपनी अपनी कहानी होती है। आपका बहुत शुक्रिया, इस बेस गेंद को खेला है और गेंद बॉडी राइट दर्शक चिंता में जाकर गेंद गिरी है 6 रनों के लिए। भाई अमन बनारस का है यार, अफजल 11 कोयलाड़ी ने के विशाल का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। रंजीत आए गेंद की और गेंद को खेला है डीप पैकेट के, रवि बनारसी जा रहे गेंद को उठाया फील्ड किया
ये मैंने पहले ही कहा कि बनारस का दो चीज बहुत मशहूर है, एक रवि बनारसी, एक साण बनारसी, दोनों बहुत मशहूर है। साण बनारसी एक शायर है और वो चुटकुले भरे शायर पेश करते हैं, और रवि बनारसी भैया हमारे लिए बहुत मशहूर है, आजमगढ़ में आकर खेलते हैं और कम से कम 15 साल से खेल रहे हैं। और ये इजाद है अफजल 11 कोलाड़ी का कि अच्छे अच्छे प्लेयरों को रोनुमा करवाता है आजमगढ़ में, बैठे हुए मस्कतल प्रेमी में। वो कल भी उनसे बात हुई कि हम तो आने वाले थे लेकिन मिर्जा सरफराज ने कहा कि रोजी रोटी की चलक कमाने के चक्कर में भी जाना पड़ता है। मिर्जा आतिक सिरसाल अध्यक्ष टूर्नामेंट के, काफी मेहनत कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए। अच्छा शॉट स्टेट ड्राइव और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, नो बॉल का 3 सिग्नल है। उन्नीस रन का स्कोर है, 120 रन। फिर मारे इसका भाई, आप लोग अंदर से बाहर से जसप्रीत सलवा से अपने पुराना टेस्ट कह लगा, अभी 120 रन खुद ही बना रहा है, 5 रन और जोड़ दिया जाएगा तो 125 हो जाएगा। हाँ जी, आप लोग बाहर चले जाइए, रूल ये बहुत सख्त है, यहाँ पे कोई भी टीम किसी एक कमेटी की टीम नहीं है, सबके लिए एक रूल और बराबर रूल लगा किया गया है। अब बैटरिया रुकती ना है, तीन चार अकबर काली आदि काली आदि बैटरिया रुकती ना है। अब भाई कुछ बता देना है, कार्ड पहले देख ले अगर समझ में आए। काली आंधी का जोश आया था नसीरपुर के मैदान पर, महज 22 गेंदों में इनिंग खेली थी। ये काली आंधी ने कहा कि शायद भाई मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भी दूसरा सरफराज बन जाऊँ, इसलिए दिल स्कूल खेलता हूँ। इनके पास बहुत हुनर है, काली आंधी अकबर के पास, नुमान के पास काफी हुनर है, एक सजी सजाई टीम है। अफजल ने कहा कि मैं फाइनल की कोशिश करूंगा अगर मेरे खिलाड़ियों ने पूरा सपोर्ट किया। अफजल 11 खिलाड़ी, खैर जो टीम खेलने आती है वो ये चाहती है कि मैं फाइनल के लिए रसाई हासिल करूं। अमन अच्छी गेंद यार खोती हुई, बॉलर के नीचे हिस्से पे लगी गेंद को 60 पॉइंट पर फील किया गया और एक रन बनाने का मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों के पास। बड़ी धीरे जो भी रन बन रहे हैं, और सिकोटी का जो जिम्मा सौंपा गया अशरफ जेवलर रायमीर एचएम कुटिला चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर मैन ऑफ द मैच वकार जींस पॉइंट कुटिला आजमगढ़। मिर्जा अजीम है उसके आनर और मिर्जा इंतखाब। भैया हम जिससे बात करना था कर चुके, एक गाना नहीं बंद होने वाला है ये कन्फर्म। आधी 8 ओवर में 160 रन अफजल 11 और दूसरे में 4 ओवर में 120 रन। इस मरतबा गेंद को खेला जैसे तैसे गेंद फील की जाती और बड़ी आसानी से एक रन बना लिया। लेकिन अच्छा हाँ यार, आसिफ भाई मुशायरे की अमन जान भी आएगी की गेंद को जैसे खेला है और मैच के दरमियान गेंद जा रही है और एक रन बना नहीं लिया रन वहाँ पे, यानी 3 ओवर के खात्मे पर स्कोर है इस वक्त 22 रन, सिर्फ 22 रन, यानी बची हुई 6 गेंदों पर 98 रनों की जरूरत है। हर गेंद पे कम से कम 16 रन या 16.5 तो बनाना ही होगा, और वो हो सकता है ऐसे कि कोई बॉलर बिल्कुल लगातार नो बॉल फेंकता रहे, वाइड फेंकता रहे, और ऐसा हो नहीं सकता। जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन मिर्जा सरफराज एंड कंपनी सिरसाल की जानिब से, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए, 26 रन का स्कोर, 5 गेंदें और 84 रन। चार बॉल पे 95 रन चाहिए भाई अकबर।
नहीं, अकबर ने फील्डिंग किया 47 नंबर की जर्सी के साथ, काली आंधी। नसीरपुर एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में, क्रिकेट का प्लेरियागंज में बहुत ऐसे ऐसे ग्राउंड पर शहजाद आएंगे जिनको सम्मानित किया जाएगा, प्लेरियागंज से उनका ताल्लुक है, जबकि बना ही सकते रहे कौनों वो से बना उतर। और इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं छिट्टेपुर से नईम खान, हमारे मित्र भी हैं और बहुत सहयोग है उनका हमारी अपनी जिंदगी में, जईन खान का बहुत शुक्रगुजार है। जईन खान छिट्टेपुर, उठता हुआ स्ट्रोक और कैच ड्रॉप हो गया, कुवट के जैसा चाहिए था। 4:41 अभी हो रहे हैं, अगर मैच चलता तो बहुत तेज होता क्योंकि दर्शक भी अब जान चुके हैं मैच खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। अब डिसाइड करें मिर्जा जीशान कि कल किसका मैच खेला जाएगा और टीमों को ये बताएं कि भाई आप 10 बजे रिपोर्ट करें ग्राउंड पर, कि मैच सिर्फ 4 हो पाते हैं, अगर आप रिपोर्ट करेंगे 10 बजे तो मैच 5 भी हो सकते हैं। और गेंद को खेला है मिड विकेट के दरमियान से, अंपायर का सिग्नल आना बाकी है, 4 रन का सिग्नल किया अंपायर माजिद ने, मैच खत्म हो चुका है। चलिए मैच खत्म।